हेलो वेलकम टू गो क्रेजी मैं आपके साथ आशुतोष नामदेव आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्व जोग्राफी की आंसर की से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस के बारे में तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फैक्चर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्योंकि अगर आपको अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझना है तो आपको वाटर की अवेलेबिलिटी को भी समझना होगा जहां पे ज्यादा वाटर होगा वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज इंडियन मेनली माइग्रेट इन थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन में मेजरली जो माइग्रेशन हुआ था दैट दैट वाज ड्यू टू एलपीजी इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और उसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वो हायर अपॉर्चुनिटी हायर इनकम लेवल के लिए मूव करना चालू कर दिए थे तो सेकेंड का आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए थर्ड है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज द दाइस्ट परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया अप्रोक्स फिफ्टी फाइव परसेंट डायरेक्टली एंड सिक्सटी फाइव परसेंट डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पॉपुलेशन हमारी जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है तो ऑप्शन क्वेश्चन थ्री का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज एग्रीकल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या है माइग्रेशन का तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है सोशल कॉन्सिक्वेंसिस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फाइव इन रूरल सेटलमेंट क्टर फॉर देयर लाइवलीहुड प्राइमरी जो सेक्टर है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रूरल एरिया है पे देखने को मिलता है क्योंकि मैक्म पॉपुलेशन किस में एंगेज होती है वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे तो so, आंसर डी दैट इज मेनली फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स ने तरफ मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न टाउन मॉडर्न टाउन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है दैट इज ऑप्शन ए सूरत नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड एज द सेटेलाइट टाउन ऑफ दहली सैटेलाइट टाउन ऑफ दैली किस जगह पे बनाए गए या किस जगह को डेवलप किया गया दैट इज रोहतक ऑप्शन नंबर बी

द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 हरियाली वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 12 इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कुंड और टंका इज मेनली यूज्ड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक वगैरह बनाना कुंड वगैरह बनाना और उसको ढक के रखना वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जिसके जिसके लिए वॉटरमैन ऑफ इंडिया कहा गया था राजेंद्र प्रसाद को तो ये जो प्लेस है ये कहा है राजस्थान में यहां पे इसको काफी ज्यादा प्रमोशन दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को किस तरीके से डिफाइन किया गया तो वो आपको टेंथ क्लास में भी इसका आंसर मिल जाएगा आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन या लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऐसी कुछ चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन हु द फॉलोइंग डिफाइन human geography as conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical law governing our earth and of the relation between the living being which inhabit it Derina answer is cancer cancer option number c that is paul vidal de la blache next question

जॉर्ज बी क्रेसी ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पुश फैक्टर के बारे में हमको बताना है कि माइग्रेशन का पुश फैक्टर क्या देखने को मिला तो पुश फैक्टर क्या है यहां पे ऑप्शन नंबर ए दैट इज सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू डेक्लाइन इन डेथ रेट रैपिडली थ्रू आउट दर्ल्ड को रोल प्ले कियाबल डिजीज यानी वैक्सीनेशन को काफी प्रमोट करना टीका लगा देना ऐसी कुछ चीजों से जो किया गया उससे काफी ज्यादा डेथ रेट क्या हो गई लो हो गई पूरे वर्ल्ड में नाइनटीन क्वेश्चन के बारे में बात करें विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नोबल लॉरेट अमर्त्य सेन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंक्रीज इन फ्रीडम आपके पास अगर चॉइस है आपके पास फ्रीडम है तो आप डेवलपमेंट के ज्यादा करीब माने जाओगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज द बेसिक नीड ऑफ अप्रोच बेसिक नीड ऑफ अप्रोच किसने प्रपोज किया था दैट इज ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर

ट्वेंटी फाइव से लेकर ट्वेंटी मैप बेस्ड है तो देख लेते हैं इसके आंसर क्या क्या है ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन दिया है चूज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा एरिया वाइज दैट इज ब्राजील ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग नोमैडिक हर्डिंग का इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए मेडा गास्कर नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द सी पोर्ट ऑफ यूरोप यूरोप के सी पोर्ट के बारे में बताना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन चूज अ मेगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड मेगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताना है तो सबसे बड़ी यहाँ पे पूरे चार ऑप्शन में कौन सी है मुंबई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चूज द मेजर एयरपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का मेजर एयरपोर्ट तो दैट इज ऑकलैंड अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज क्वेश्चन नंबर अरेंज अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी यानी पहले क्या हुआ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन देन आफ्टर क्या हुआ रीजनल एनालिसिस देन आफ्टर क्या देखने को मिला एरियल डिफरेंसिएशन और फाइनली यहां पे क्या ऑर्गेनाइजेशन तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन मैच करना है हमको डिफरेंट सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जोग्राफी और इंटरफेस से तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी दैट इज ए का क्या है बिहेवियरल ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है साइकोलॉजी से रिलेटेड है कल्चरल ज्योग्राफी काहे से रिलेटेड है इट्स एंथ्रोपोलॉजी जेंडर ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है सोशियोलॉजी से और फाइनली मेडिकल ज्योग्राफी का रिलेटेड है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एग्रीकल्चर का फीचर क्या है तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इट इज अगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन मतलब टी है तो टी कॉफी है तो कॉफी ही लगाया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन

क्वेश्चन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पॉस्चर्स तो इसके इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्योंकि कमर्शियल लेवल पे एक ही जगह पे रहते हैं वो भागते नहीं है एक जगह से दूसरी जगह नेक्स्ट

और सेकंड में क्या दिया है ड्यूरिंग दिस पीरियड अ रैपिड फॉल इन द मॉर्टेलिटी रेट एंड हाई फर्टिलिटी रेट इन द कंट्री तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट एंड सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन द फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट इमिग्रेशन बाय द लास्ट रेजिडेंस इन इंडिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्लादेशन सेवेंटी के वन के टाइम काफी ज्यादा देखने को मिला था नेक्स्ट मैच दैच करना है अपन को तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट का क्या है जयपुर मिडाइव टाउन क्या देखने को मिल रहा है जयपुर सेकेंड का क्या हो जाएगा डी माइनिंग टाउन थर्ड का क्या है ए इंडस्ट्रियल टाउन कौन है मोदी नगर और फोर्थ का क्या है

मेन रीजन ऑफ इंट्रा माइग्रेशन इन इंडिया तो इंटर इंट्रामाइग्रेशन का मेन रीजन क्या है दैट इज एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इन विच वन ऑफ द साइज क्लासेस हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया तो साइज वन क्लासेस में सबसे ज्यादा अपन को टाउन्स देखने को मिलते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए

एक प्रकार से गोल डिसाइड किए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए थे उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इन ऑफ ऑफ द साइज क्लास अर्बन सेंटर्स इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन तो किस जगह पे हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है दैट इज ऑप्शन नंबर नंबर इज द फीचर ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी नेशनल वाटर पॉलिसी का फीचर क्या है तो ऑप्शन सी शुड बी कंजर्व वाटर इन ईच हाउस अब यहां पे केस बेसिस स्टडी दी हुई है केस बेसिस क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे तो अपन डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन फिजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अरुणाचल प्रदेश इज तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन ए दैट इज हिली एरिया जितना ज्यादा हिल्स होंगे पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ज्यादा कम होगी और जितने ज्यादा प्लेन्स होंगे पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच एक्सेस इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरेज डेंसिटी ऑफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी देखना होगा और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी देखना होगा दोनों के डिफरेंसेस क्या दिखाएंगे अपन को दोनों के बीच का अंतर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेवन ट्वेंटी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें कहां देखने को मिलेगी इसमें तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी दैट इज लक्षद्वीप नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज अरुणाचल प्रदेश सेवेंटीन के अप्रोक्स वहां पे क्या है डेंसिटी देखने को मिलती है है अब ये एक ग्राफ क्वेश्चन क्वेश्चन तो नंबर पे देख सकते हो आप माइग्रेशन के बारे में दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम हैज द हाइएस्ट मेल माइग्रेशन तो कहां पे सबसे ज्यादा मेल माइग्रेशन देखने को मिलता है तो रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सर्च ऑफ बेटर एजुकेशन फैसिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग स्ट्रीमस्ट माइग्रेशन ऑफ फीमेल तो हाइस्ट माइग्रेशन ऑफ फीमेल कहारिया और इसका मेजर रीजन क्या है मैरिज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विच स्ट्रीम शोज द लीस्ट माइग्रेशन लीस्ट माइग्रेशन सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है तो अर्बन टू रूरल एरिया ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द मेन रीजन ऑफ फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया तो मेन रीजन क्या है फीमेल के माइग्रेशन का पूरा डेटा दिया है डेटाप्रिट इंटरप्रिटेशन uh, का क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेवन से इट टुक फिफ्टीन हंड्रेड इन फॉर पॉपुलेशन टू रीच फाइव मिलियन टू फाइव हंड्रेड मिलियन

ज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आपको इसकी आंसर की हमारे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज स्टडी विद आशुतोष नाम दो साथ, साथ इंस्टा पे भी मिल जाएगी सो थैंक यू स्टे स्टेट्यून विद गो क्रेजी हैव अ नाइस डे